So, welcome back once again, myself Pranshu Kumar Pathak, and in this particular session, dear friend, I will discuss some chemical kinetics based question which is asked in GATE Life Science examination. So, dear friend, first of all, I want to tell you, don't panic, we will do and we will achieve our targets, okay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं. तो केमिकल काइनेटिक्स डील विद द केमिकल रिएक्शन एंड द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. यानी दो बातों पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है केमिकल काइनेटिक्स. एक तो स्पीड ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा स्पॉन्टेनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं. अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है दोस्तों, तब हम कहते हैं कि रिएक्शन क्या है, फेवरेबल कंडीशन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कहानी होगी, ठीक है. तो ये तो बाकी बात है, जब हम नीचे रिएक्शंस में जाएंगे, जब सॉल्यूशंस देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने इस बात को अच्छे से डिस्कस किया है, तो यहाँ पे भी उन्हीं सब बातों को बार बार नहीं याद करना है. तो एक चीज़ याद रखना है, स्पॉन्टेनिटी जो होती है वो मेंटेन होती है, वो डेल्टा जी से डिनोट. नाउ यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो ऑर्डर का कैलकुलेशन, या तो फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा क्वेश्चन, या तो आपका जीरो ऑर्डर पे आएगा. एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाफ लाइफ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, जस्ट आई वॉन्ट टू इरेज ऑल दोज थिंग्स so that we can understand some basic things which is really very important for all of us, okay. So सबसे पहले दो तीन बातें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ. पहले एक बात याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा. कभी भी आपको कोई कहे कि आप कितना घंटा, कितना स्पीड है आपका, तो नेगेटिव स्पीड नहीं बता सकते आप. तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ये दिमाग में आप डाल लीजिएगा, ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको कोई पूछे कि कैसे आप डिफाइन करोगे किसी भी फॉर्मूले के रूप में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है जो दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू Change in concentration term divide by with respect to time. So time से divide कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, rate मिल जाएगा. Rate means with respect to time. Change in concentration term with respect to time will give rise to rate of that particular reaction. Suppose जैसे कि change in concentration का मतलब क्या हुआ, final concentration term minus initial concentration term by time taken is known as rate. और अगर short form में rate को अगर आप लिखना चाहें तो rate is equal to आप लिख सकते हो, that is delta C, that is concentration term with respect to change in time. So concentration by time हमेशा आपको rate of reaction मिलेगा. और कोई कोई कंसंट्रेशन जैसे हम मोलारिटी में भी यूज करते हैं, तो कोई एम बाई टी भी लिखता है, तो आपको मतलब कि समझना है कि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है. एम इज नथिंग, दैट इज मोलारिटी. मोलारिटी इज ए टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, है ना. मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, दीज ऑल आर कंसंट्रेशन टर्म. तो एम बाई टी भी आता है, तो घबराने की बात नहीं है. तो अब जरा सोचो कि अगर हम कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, जरा आप हमको बताओ, तो आप कैसे निकालोगे रेट ऑफ. अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी वाई टी. अब सोचो कि कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी को कैसे आप डिनोट करते हो, बताओ. मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन को दिखाते हैं, तो मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम आप करोगे ना, तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि ये भी माइनस वन लिख दीजिए, और सेकेंड इनवर्स, ठीक है. तो ए हुआ टोटल रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, है ना. यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, मोल पर लीटर
पर सेकेंड, ऐसे याद रखिए। अब बात ये उठती है, क्योंकि मैं बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस थिंग, आई जस्ट वांट टू रिकैप दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो रेट दो तरह का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या हुआ, सपोज ए कोई आदमी है जो कि हाउस पे है और हाउस से बी उसको लैब में जाना है। समझो कि हम अभी गेस्ट हाउस में हैं, गेस्ट हाउस से मुझे लैब जाना है, तो लैब और इसके बीच में समझो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। हमारे गेस्ट हाउस में मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मेरे लैब का डिस्टेंस 2 किलोमीटर। अब मैं पैदल निकला, ठीक है, तो पैदल निकला तो हमें लग गया क्या, समझो 10 मिनट लग गया। अब कोई वही स्कूटी से एक्टिवा से निकला या फिर कोई और गाड़ी से निकला तो वो 1 मिनट या 2 मिनट के अंतराल पर पहुँच गया। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो कि एक्टिवा से जा रहा है, जो पैदल जाएगा वो थोड़ा लेट जाएगा। तो ये हुआ दो व्यक्ति के जाने का रेट। उसी तरह से रिएक्शंस भी कई फॉर्म में होता है, तो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को बताता है, कौन कितना जल्दी पहुँचता है, स्पीड। तो हमारी स्पीड जैसे निर्धारित हुई, वैसे रिएक्शंस के भी स्पीड्स निर्धारित होते हैं उनके रिएक्शन टर्म पे, रिएक्टेंट के नेचर पे, ठीक है, समझ में आया। अब एक छोटी सी बात आपको और हम आपको लिखना सिखा दें, और इसमें जाने से पहले थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लें कि हमेशा रिएक्टेंट क्या होता है, घट रहा होता है, और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ रहा होता है। तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भी बताने जा रहे हैं, जो कि आपको दिमाग में याद रखना है। हमेशा देखते होंगे कि रिएक्टेंट को लोग नेगेटिवली शो करते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन टर्म में लिखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे, उसको आप ध्यान से देखो। ए है, ठीक है, ए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो बी बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि आप इसका रेट लिखो, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, माइनस डी ए अपॉन टी, और इसका अगर हम प्रोडक्ट का लिखें तो यहाँ पे प्लस लिखोगे डी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी अपॉन टी, ठीक है, तो ए हो जाएगा। तो आप समझो कि यहाँ पे प्लस साइन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, यानी जब भी हम रेट रिएक्टेंट का लिखते हैं तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और प्रोडक्ट का लिखते हैं तो पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। अब इसको आप समझो कि आपको नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, ये नेगेटिव साइन मैं नहीं लिखूंगा। चलिए अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। अब आपने कहा कि भैया हमें बात नहीं मानेंगे, तो आपको चलिए मनवाते हैं। सपोज हमने अभी बोला है कि ए क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है बी, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। चलिए अब इनिशियली जरा सोचो कि ए कितना होगा, सबसे ज़्यादा जब रिएक्टेंट रिएक्शन हुआ नहीं है तो क्या होगा, ये 100 होगा, और यहाँ पे बी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो ये 0 होगा। अब टाइम टी के बाद यह क्या वही रह जाएगा, नहीं, ये थोड़ा सा घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा, अब समझो कि यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, धीरे 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 डाउन होगा। और इसी तरह से अगर ए ए ए है, रिएक्टेंट घटेगा, उसी तरह से धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी आपको ये नहीं समझना है, तो इस वाले ग्राफ को हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आए, ठीक है। मैंने अभी अभी क्या बताया कि ए बी को बना रहा है, तो अगर ए टाइम के डायरेक्शन में है और यहाँ पे ए है, तो ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और उसी तरह से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे बी क्या हो रहा है, बन रहा है, और ए टूट रहा है। इनिशियली समझो कि कंसंट्रेशन C1 यहाँ पे 100% था, और टाइम टी के बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन समझो कि 20 हो गया, यह एग्जांपल आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। और तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट P1 समझो कि यहाँ पे इनिशियली 10 होगा और फाइनली यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अब इसको हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होता है,
फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। यहां पे भी यही होगा, तो फाइनल यहां पे क्या है भैया 100, फाइनल यहां पे सॉरी 20 है ना, इस टाइम से C1 यह था, तो C2 माइनस C1 बाई टी, तो C2 यहां पे है आपका जाकर के 20 माइनस 100, तो इसका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं, माइनस 80 बाई टी आ रहा है। अब इसको देखो, अब यहां है C2, ये है फाइनल, C2 माइनस C1 यहां पे भी करो तो C2 है 100 और C1 है 10 बाई टी करो, ये 90 बाई टी आया। तो अब आप खुद बताओ कि वैल्यू किसका पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट का कि रिएक्टेंट का। तो इसीलिए रिएक्टेंट के टर्म में निगेटिव ऐड करते हैं और प्रोडक्ट में पॉजिटिव ऐड करते हैं, ये सारा चीज समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज और है, रिएक्टेंट अगर टर्म लिखना है तो कैसे हम किसी रिएक्टेंट को लिखते हैं वो बताएंगे, और बाकी फिर हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक आइडिया जो था बहुत जरूरी था आपको देना, क्योंकि मे बी मैं पूरा केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, पर छोटी सी चीज आपको बताना बहुत जरूरत था, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्कशन के नाम पे अगर आपको हम कहें कि कोई ए मॉलिक्यूल प्लस सपोज बी गिविंग राइज टू सी सी प्लस डी डी, अब आप इसके रिएक्टेंट टर्म को लिखें, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसे हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जब रिएक्टेंट टर्म में लिखते हैं तो ये 1/something, सपोज इसको एक रिएक्शन देकर के आपको समझाते हैं कि समझो H2 प्लस N2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन 6 है तो यहां पे 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3H2 प्लस N2 बराबर 2NH3। अब इसका अगर हम आपको रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट लिखने का हम कहें कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाएं हमको, तो कैसे लिखोगे, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, और पहले तो रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगाओगे, 1/3 डी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन H2 डिवाइड बाई दैट इज टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि ये सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अभी ये नाइट्रोजन है ये भी रिएक्टेंट में, तो पहले नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखते नहीं है, तो डी नाइट्रोजन डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 मॉलिक्युलरिटी हमेशा ऐसे आएगा, और प्लस NH3 डी अपॉन टी, समझ में आया। तो इस तरह से हम लिखते हैं, तो आई थिंक आपको ये सारी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, सी यू सून इनटू द नेक्स्ट वीडियो फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो आई थिंक आपको यहाँ पे सारी बातें छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।